आप जिस अच्छा किसी और को लाइन पे हेलो लिया जी। हेलो हाँ कुमार देवबंदी बोलो रजा खानी। कैसे परेशान? अच्छा देव की दीवानी कैसे परेशान हो? बोल रजा खानी हाँ देव की तुम्हारे दीवानी वालिदा की कहा दीवानी है खानी। क्या? तुम्हारे वालिदा के दीवाने हैं? आते ही बदतमीजी शुरू कर दी। अभी तू क्या बहुत क्या अच्छी बात बोला है, देव के दीवानी हाँ बोला तो है तो देखो वही मैं बोला हूँ। तुम्हारी वालिदा देव है, उसी के दीवाने हैं मैं। हाँ बोलो बोल। अच्छा तो रफात अली, रफात उमर अली। देवबंदी तुम देव की दीवानी नहीं हो? देवबंदी नहीं हो तुम्हारी वालिदा के दीवाने हैं? तो वालदा के तो दीवानी उसके हो में शायद, क्योंकि थानवी साहब की वालदा जो थी वो इशारा घुमा करती थी। अच्छा उमर देवबंदी लेकिन एक बात तुम्हारी बताओ, वालिदा तो अभी है ना, तो मैं भी अभी हूँ, हम असर होंगे ना, तभी तो दीवाने होंगे। अच्छा हम असर होंगे यही शक्ति सिखाई जाती है तुम लोगों को, तभी तभी आके ये बदतमीजी सब शुरू कर दिया। ये तो तुम्हारे यहाँ सिखाई लवाता जाती है, लवाता तो तुम्हारे यहाँ होती है। तो साबित वो करो। चारपाई पे तो ना, वो ये तो तुम चारपाई पे वो ऐसी वो लेटा दिया था हाँ तो इस तुम्हारे तुम्हारे ना अकाबिर ने काम किया है। इसी पे बात कर ले, भागना मत। लेकिन चल वो खानकाह गंगलों में बात करेगा। इसी पे बात कर ले, चल। अच्छा सर ये लेकिन सुन फोन रहा नहीं काट के, है आदमी, फोन फोन काट के भागना नहीं। लेकिन आप तो सुनता ही नहीं है, तो बकवास ही करते रहता है, मैं तो कहता टाइम हूँ नहीं फोन कटेगा काट के बेचारा। भागना नहीं, ये बकवास है। फोन काट के भागना नहीं बोलना, ये बकवास है। तू कह नहीं, तू कहे सारी रात बात करनी है तो सारी रात का वक्त थोड़ी हमारे पास। 1 घंटा बात कर अब ले, तू चल। परेशान था, नहीं 1 घंटा बात अब कर तू ले, परेशान था। आखिरी शर्म मेरी होगी, इस पर शर्त रख ले। मैं आखिर तेरी मेरी बात दीवानी सुन के भागेगा तू, मेरी बात सुन के भागेगा, मैं एक घंटे दीवानी के तो बाद ही तेरी भागेगा। क्यों होगी तेरी सुन भाई, ना, आखिरी टर्म तेरी क्यों होगी? नहीं तो इसलिए तू भाग गया था बड़बड़ करके, मेरी बात जवाब सुनता नहीं है, इसलिए कब भागा हूँ मैं तुझसे? तुझसे तो भाग हमेशा गया हूँ, भा, मुझे पता अच्छा ही नहीं कसम है खा तू ले किसे नहीं सुन भागा रहा है, चल। कसम खा ले नहीं है, तो भागा है सुनता ही नहीं है। तो मैं क्यों हाँ नहीं तो सुनूंगा? सुनता ही दो नहीं दो 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 मिनट की तय कर ले ना, तू मेरे बीच में बोलेगा ना मैं तेरी तेरे बीच में बोलूंगा। मेरी मेरी बात हुए कितने महीने गुजर गए अरे मैं कहता बता। हूँ दो दो मिनट की शर्म कर ले, तू मेरे बीच में ना बोलेगा, मैं तेरे बीच में नहीं बोलूंगा। बस वो अरशद रजा पादरी ने तुझे लाइन पे लाया, कुछ समझ के लाया होगा ना, कुछ नाम ढंग से कुछ ले, समझ नाम के ढंग से लाया ले, होगा रफाए हाजिर नहीं तो साहब नाम कुछ। तो ढंग से लेना, अरे रफाए नाम हाजिर ढंग से ले, साहब वो तो ठीक है, रफाए हाजिर ऐसे साहब नाम एक ढंग से मिनट, करेगा। एक मिनट यार, दो दो मिनट की हाथ शर्म तो कोई करेंगे। खराब अरे होनी है, तुम दो 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 मिनट पे बात करेगा क्या? दो दो मिनट पे करेगा ना? शर्त मंजूर है कि अरे नहीं? भाई दो दो तू ही मिनट पे बदतमीज, तू 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 फोन आते लगा ही रहा है, शर्त बदतमीजी कर खत्म नहीं दिया, कर तू रहा। बदतमीजी यार शुरू कर अरे दिया। तो हाँ सुनेगा, बोल। देख इसीलिए मैं तुझसे, इसीलिए मैं अबे तू तुझसे डर के बात नहीं भागता है, करता। तू डर के भागता है बहुत इसीलिए। बहुत बड़ा बेशरम है ये, बहुत बड़ा कौवा खरीद ये देखो बेशरम है। आ गया, दो 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 बंदर देखो उछल रहे हैं बरेलवी के। अरे दो दो मिनट की शर्म करना, दो दो मिनट पहले बात कर ले, दो दो मिनट की। ये तेरा तकिया कलाम है, अरे यार दो दो मिनट की तो बात कर, ये भाग रहा भाग क्यों इसी गया बात? वो भाग गया फला भाग हाँ गया, बिल्कुल भागता है ये, तुम तू दोनों भी बंदर जो भागते हो फोन काट के, तुम दोनों भागते बदतमीज, हो। तू भी अरे यार भाग बदतमीज। ना, ताजे से बात कर। हाँ सुन 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 मौजूद, जो मैंने तुझे देव की दीवानी कहा था, ये नाम है देवबंद, ये बता मैंने इस किस बिना पर कहा था, उसकी अच्छा मैं दलील देवबंद का दूंगा। मतलब है दीवानी? हाँ मैं तुझे इसकी दलील दूंगा कि हाँ उसका दलील दे, नाम चल। देवबंद क्यों पड़ा। हाँ हाँ क्यों उस पर पड़ा? जिसे कहे ना, देवबंद का हाँ क्या मैं मतलब, बताऊंगा देव का तुझे, क्या, बंद का क्या तारीफ मतलब है, देव का क्या किताब है। मतलब हाँ है? मैं अरे बताऊंगा सुनेगा, देव देव का क्या का मतलब है? देव हाँ बता ना, बता ना, क्या भाग क्यों रहा? का मतलब क्या है, फिरोजी लोग खोल तेरी, अरे तू बता मुझे क्यों खुलवा रहा है, तू बता। फिरोजी लुगात खोल, मैं तुझे बताऊंगा ना, मैं तेरे गंदी खोलूंगा तो किताब है, भारी ऊपर पड़ेगा लुगात की तुझे, लिखी। तू बता। हाँ बता, देव का क्या मतलब होता डेंगे है? मार रहा अरे बताएगा, भाग क्यों छप्पन रहा? छप्पन नंबर 345 खोल, अरे क्या है फिरोजी लुगात बताएगा? खराब भेज है भाई। भेज 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 भेज। देव का मतलब है देवता, बंद और बंद का मतलब? का मतलब, अच्छा बंद का मतलब भी हा, मैंने तुझे देव हा, की बंदी कहा है ना, नहीं देव। नहीं नहीं हाँ बंद देव का का मतलब मतलब, क्या होता है? अब हाँ देखो भागा भागा रफात अली भागा, बे मर्दू बंद तू का क्या इतना मतलब मत होता लेना है? मुझे,
हाँ बंद का क्या मतलब होता है? हाँ बंद पढ़ने देगा देव। अच्छा अच्छा कैद खाना, कैद खाना। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, बंद यानी देव को कैद करना, ये मान लिया है कि उलमाए देवबंद जो है बरेली देव को जो है कैद करके रखे हैं, बंद करके रखे हैं। ये मान लिया है, ठीक है माशाल्लाह। अब आया अपनी औकात पे। हाँ बंद का मतलब है कैद करना। हाँ अब समझ में आया। अरे क्यों शैतान खाना जेल खाना, सुन पूरे माने तो सुन ले इसके फ्रिज लगा के। हाँ देख, हाँ बंदी का माना कैद खाना, शैतान खाना। हाँ जी तो ये तमाम तर चीजें हैं। अब मुझे ये बता ये लफ्ज नाम अच्छा, बंद का कैसे पड़ा? अच्छा शैतान खाना ये है, बंद का मतलब है शैतान खाना। कहाँ लिखा जा रहा वो भेज तरह लुगा से भेज। अरे नहीं नहीं भेज, मैंने देखे आगे आई औकात पे। ये बरेलवी एक नंबर का झूठा है, मक्कार है, झूठ बोलता है, ठीक है एक नंबर का झूठा है। बंद का मतलब वो कहता है शैतान खाना। कहाँ लिखा है बंद का मतलब शैतान खाना? ये देखो शैतान बंद का क्या मतलब है, देखो बंद का क्या मतलब है, बंद का क्या मतलब है। हाँ बंद का मतलब क्या है? कहता है दगा की दाल है या जो। आमिर उस्मानी तेरा बाप है क्या नाजायज? तेरा बाप है क्या वो? तेरा तेरा अब्बा है क्या आमिर उस्मानी? नहीं तेरा बाप है वो, तेरा अब्बा है, तेरा बाप है। तू मोतबर माना अभी तू मोत। हम तो नहीं मानते, हम तो मानते ही नहीं, हम तो मानते ही नहीं। अबे तेरी क्या औकात है, तेरी क्या औकात है, तेरी क्या औकात है? वो जमात इस्लामी का था, जमात इस्लामी का था, वो देवबंद का थोड़ी था। वो हमारे उलमा जल हवाले दे, हवाले दे। हाँ भेज भेज, अभी भेज, अभी तेरी पिटाई करता हूँ, अभी तेरी पिटाई। हाँ भेज 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 भेज। हाँ हाँ वही, अबे तू भागता है, मेरा नंबर ब्लॉक करके रखा है। वो बोलता है तेरी दोनों अरशद रजा और तू मेरा नंबर ब्लॉक करके रखा है। अबे वो हो, अब ये अभी कौन जाहिल है, कौन जाहिल है, जाहिल। अच्छा वो खुद ही बात कर रहा है, बोलता मैं बात नहीं कर रहा हूँ, खुद ही बात कर रहा है। देखो खुद ही बात कर रहा है। किताब खोलो तारीखी सत्यात, देवबंद की तारीखी सख्तियात तू बताना। इसमें हवाला भेज, हवाला भेज, अभी तेरी पिटाई करता हूँ। सफा नंबर 6 पे इसमें ना, अरे हवाला भेज सब। इधर भागा, देखो भागा, भाग रहा है, भाग रहा है सफा। ये भेज नहीं रहा, हवाले बड़बड़ कर रहा है। आमिर उस्मानी तुम्हारे अब्बा जान है, वो जमात इस्लामी का था, वो जमात इस्लामी। नहीं नहीं लगा नहीं दूंगा, यहाँ यहाँ भेज, यहाँ भेज, यहाँ भेज, यहाँ भेज, यहाँ भेज, तभी मैं जवाब दूंगा। ये देखो पक्का देवबंदी, यानी ये देखो भाग रहा है, ये देखो सफा नंबर नहीं भेज रहा है, 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 सफा नंबर भेज, जमात इस्लामी का था जमात। हाँ अबे पलट तेरे कहने से हो जाएगा, तू अपने बाप को, तू अपने बाप को कहने लगे वो जमात इस्लामी से, तेरा कोई इलाज है मर्दूत? तेरे कहने से क्या होता है? तो हाँ, क्या क्या लिखा है, तेरा बाप है और ना जाए, क्या लिखा है? नहीं क्या लिखा, अबे तेरी वालिदा क्या मजार से, मजार पे गया था आमिर उस्मानी, वहाँ मुलाकात हुई थी। ये लिखा है यह देवबंद, या कौन से किताब, किताब का नाम बता, किताब का, किताब का नाम दारुल उलूम देवबंद की तारीख की शख्सियात। देखो हाँ माशाल्लाह, सफा नंबर 6 पे, सफा नंबर 6 पे, सफा नंबर 6 पे क्या लिखा है? उनवान देवबंद के चंद मुमताज उलमा दानिशवर, देवबंद के लिखा, दारुल उलूम देवबंद नहीं लिखा, लिखा देवबंद के चंद मुमताज उकमा दानिशवर सोरा सहाफी हजरात, उसमें लिखा है मौलाना आमिर उस्मानी देवबंदी। देखो पकड़ा गया, पकड़ा गया इसका, ये पकड़ा गया। दारुल उलूम देवबंद ने वो पढ़ा ही नहीं था, पहली बात है। ये लिखा है देवबंद के चंद मुमताज हुकमा और दानिश्वर शोरा और सहाफी हजरात, उसके तहत लिखा है मौलाना आमिर उस्मानी देवबंदी। ये मर्दूद जो है झूठ बोलता है, ये देखो झूठ बोल। हाँ बिल्कुल, ये सफा लगा देना, ये छह वाला सफा लगा देना, छह वाला सफा लगा देना। देव इसमें क्या लिखा है, अच्छा क्या लिखा है, देवबंद के चंद मुमताज हकमा और दानिश्वर, ये दानिश्वर में लिखा है। मैं बार 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 कर रहा है, चूतिया कहेंगे। अच्छा पढ़ मर्दूद इसीलिए करता है, ये चार सफहात पर। अरे पूरा पढ़ना, ये पढ़ता क्यों नहीं, पूरा पढ़ सुन ले। अरे पूरा पढ़ना, ये किताब देवबंदी थी, सुन ले आप। मैं तीसरे तेरा बाप साबित कर रहा हूँ, इनकार कर रहा है ना, ये तेरा नाजायज बाप है, ये तेरा नाजायज बाप है। हाँ
सामेन गौर करें, ये अपने कितने बड़े अब्दे का इनकार करा। सफर नंबर इसका 23 लिखता है जनाब हाफिज अब्दुल अजीज साहब आए और अपने देवबंदी ही अरे नहीं गाड़े देवबंदी को मौलाना भागा, भागा। कोई हर्ज नहीं कर रहे, ये जजलाम मौलाना आमिर उस्मानी साहब के लिए लफ्ज मौलाना इस्तेमाल किया और इतनी जगह इस्तेमाल करने के बाद यही इनका देवबंदी कह रहा है कि बरेलवी मौलवी आए और जनाब का कलम पकड़ लें, जो अब्दुल अजीज साहब उनको कहा कि आए और अपने इस लाडले का कलम पकड़ लें, जो के एक देवबंदी ना के देवबंदी बल्कि एक गाड़े देवबंदी आमिर उस्मानी को मौलाना कह रहे हैं। भागना नहीं, मेरा जवाब सुन लेना। मौलवी कह रहे हैं भागना, भागना नहीं, भागना नहीं। अब सुन, अब सुन, अब सुन, अब सुन, अब सुन, मेरा जवाब सुन, मेरा जवाब सुन, मेरा जवाब सुन। अरे रुकना, मेरा जवाब सुनने, भागना नहीं, नहीं भागना मत, जवाब नहीं नहीं नहीं, पहले ये सुन, नहीं नहीं सुन। अच्छा तो कसम का भागेगा नहीं, कब भागेगा नहीं, वादा कर, कसम खा नाम भागेगा नहीं, भागना भागेगा नहीं, भागेगा नहीं तो कसम खाना भागेगा नहीं। अभी अभी बोल के भाग जाएगा, तू बोल के भाग जाएगा, अभी बोल के भाग जाएगा, अबे बोल के भाग जाएगा, सुन ना, सुन सुन, तेरा बाप है, भागेगा, देखो ये देखो, ये देखो, सुन ना यार, सुन 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 सुन, अरे मैं सुना तेरा, तू मेरी सुन, तू मेरा सुन, 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 जो बंदे छपी हुई है, देखे यार भाग रहा है, अभी भागा, ये डाल लो, सुन ले मेरे हवाले खत्म हुए, बात ये देना, ये भाग जाएगा तू, फोन काट के, फोन काट के भागेगा नहीं, बोल कसम खा नहीं भागेगा, हाँ तो बोले भागेगा नहीं, बोलना ऐसा, मेरा जवाब बेटा सुने, भागेगा नहीं, मेरा जवाब सुने, भागेगा नहीं, मेरा जवाब सुनने बगैर भागेगा नहीं, देवबंद, मेरा जवाब सुने, देवबंद से छपी हुई है सामने, देखो आप सफा देख लें इसका, हाँ सफा, अभी ये देखो, ये इसने रिफायत अली कह रहा है, सुनो ने एक भी नहीं भेजा, भेज 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 भेज, देखो भाग रहा है, भाग रहा है, इसकी सवाने हयात लिखी हुई है, ये रिफायत अली और ये कह रहा है कि जमात इस्लामी वाला, हाँ तो रुक ना, जमात इस्लामी का मैं साबित कर रहा हूँ, सुन ना तू, खामोश रहे, खामोश रहे, अभी भागना मत, भागना मत, भागना मत, देखो, हाँ देखो सामग्री, भागना नहीं, भागना नहीं, ये दारुल उलूम देवबंद, ये किताब इसने भेजा, दारुल उलूम और देवबंद की तारीखी शख्सियात, एक किताब का नाम क्या है, दारुल उलूम और देवबंद की तारीखी शख्सियात, ठीक है, और उसी के उनवान के तहत लिखा है, देवबंद के चंद मुमताज दानिश्वर और हकीम शोरा सहाफी हजरात, उसके तहत देखो दो कितने, दो चार छः आठ दस बारह तेरह, तेरह लोगों का लिखा हुआ है, और उसमें आमिर उस्मानी का लिखा है कि देवबंद के चंद मुमताज दानिश्वर, यानी दालून देवबंद के नहीं, ठीक है, इस अब ये इतना बड़ा मक्कार, खामोश रहे, खामोश रहे, खामोश रहे, खामोश रहे, खामोश रहे, खामोश रहे, नहीं नहीं देखो देखो मुझे बोलने नहीं दे रहा, खामोश रहे, अब ये दूसरी किताब दिया है जलजला दर जलजला, अब इसको मैं पढ़ रहा हूँ, ये कह रहा है कि इसमें मौलाना बोला है और मौलाना कहने में कोई हर्ज नहीं, तो ये मौलाना कहने से आमिर उस्मानी को ये साबित कर रहा है कि वो हमारे उलमा में से है, जबकि इसके अकाबिर इसका मुजद्दिद जो है उलमाए देवबंद को मौलाना मौलवी बोले हैं, तो इसका मतलब ये इसका मुजद्दिद जो है उलमाए देवबंद को अपना आलिम और उमा माना, देखो अब माना, अब माना बोल रहा है, देख मत, देख सुन ना, देख तू मेरे मेरे टाइम पे मत बोल, मेरे टाइम पे मत बोल, ये देखो ये इसका, खामोश रहे, खामोश रहे, खामोश रहे, माना कि क्या मौलाना बोले, तूने मौलाना के बारे में कहा है, अरे आप खामोश रहे, खामोश रहे, खामोश रहे, देखो देखो खामोश रहे, खामोश रहे ना, खामोश रहे, खामोश, मैं तेरे बात सुना, खामोश रहे, खामोश रहे, खामोश रहे, हाँ अरे खामोश रहे ना, पागल कहीं का, डरता क्यों है, डरता क्यों है, ये देखो बरेलवी दोनों डर रहे हैं, ये कह रहा है कि मौलाना बोलना आलिम होने की निशानी है, तो इसके जो बरेलवी अकाबिर हैं, बरेली तूने कहा, तूने कहा आमिर मौलाना कहना अपने आलिम होने की निशानी है, तो इसका अकाबिर इसके इसका मुजद्दिद जो है मौलाना मौलवी उलमाए देवबंद को बोला है, तो इसका मतलब उलमाए देवबंद को इसका जो अकाबिर जो है अपना अकाबिर उलमाए देवबंद को मानता है, अभी ये देखो इसकी भावर इसको मालूम नहीं है, ठीक है, हाँ तू पढ़,
तू पढ़, अब खामोश रहे, खामोश रहे, खामोश खामोश रहे, खामोश खामोश रहे, खामोश रहे। अरे खामोश रहेगा दूसरी चीज, अरे खामोश रहे, बोलने नहीं दे रहा है ये, डरा हुआ है बेचारा, खामोश रहे, बोलने नहीं दे रहा है। हाँ बिल्कुल, तू डरा हुआ है, हाँ तू डरा हुआ है, अब ये देख, हाँ बिल्कुल 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 डरा हुआ है। शेर भी नहीं पढ़ने दिया, वो डरा की दाल है या जूस की है या इसमें बतर फरोशी की है, वो तेरे आलिम है। अरे यार देवबंदियों का है मौलवी, ये जमात इस्लामी का है, ये जमात इस्लामी का है, हमारे आलिम किसने कहा कि वो हमारे उलमा में से है, बताओ भाई। अभी अभी मैं एक किताब देता हूँ, देखो ये किताब देता हूँ, ये वो खुद का, वो मैं भेज रहा हूँ, रुक रुक, किताब, ये किताब का नाम है, सुन ना, जमात इस्लामी का जायजा, जमात इस्लामी का जायजा, मुसन्निफ मौलाना आमिर उस्मानी, मौलाना, अरे रुक ना, है देखो भाग रहा है, भाग रहा है, मैं इसको साबित कर रहा हूँ जमात इस्लामी का, हैदरा, मैं इस नाचीज काविज को मौलाना सैयद अबुल आला मौदीदी की तरफ मंसूब करता हूँ, जिन्होंने मगरिब की आंखों में आंखें डालकर हर बातिल निजाम का हर सतह पर मुकाबला किया। अब ये खुद कबूल कर रहा है ये जमात इस्लामी का है, और मौलाना मौदूदी की तारीफ करके किताब उसकी तरफ मंसूब कर रहा है ये, हाँ ये अबे ये जो मैं किताब पढ़ रहा हूँ घामड़, वो खुद बोल, आमिर उस्मानी की किताब है ये, आमिर उस्मानी की किताब जो मैं पढ़ रहा हूँ, ये जमात इस्लामी का जायजा, हाँ हाँ बेशक बेशक, अब इसकी पिटाई होगी, अब इसकी पिटाई होगी। अरे यार दो, ये दोनों बंदर एक साथ बोल रहे, दोनों बंदर, ये दोनों हालत खराब हो गई, ये देखो अब, हाँ हवाला भेजा, ये देखे मर्दू मैं जलजला का साबित कर दिया, मौलाना कह रहा है कि मौलाना कहने से आलिम साबित होता है, देवबंदी ही नहीं, गाले देवबंदी को मौलवी कहा है, बरेलवी ने मौलाना कहा है, गाले देवबंदी कह रहा है वो, मर्दूत तो नहीं, इबारत पढ़ी क्यों नहीं, गाले देवबंदी क्या कहा, अच्छा इबारत पढ़, इबारत अच्छा पूरा पूरा इबारत पढ़ते, पूरा इबारत, तू तू इबारत पढ़, नजमुद्दीन हयाई साहिब कहते हैं के जलजला में मौलाना आमिर उस्मानी साहब के लिए लफ्ज मौलाना इतनी कसरत से इस्तेमाल किया गया कि हमें ताजुब होता है कि हुसामुल हरमैन के मुसन्निफ मौलवी अहमद रजा खान साहब की रूह कहाँ कैद हो गई, ये तंज कर रहा है। आगे सुने जो अपने इस रूहानी पोते की गर्दन ना मरोड़ सके, शामिल और करें, और आगे कहता है और कहाँ है हुसामुल हरमैन के सबसे बड़े तरफदार इस्लाम और कुफर के ठेकेदार जनाब हाफिज अब्दुल अजीज साहब आए और अपने इस लाडले के कलम को पकड़ लें, जो एक देवबंदी ही नहीं एक गाले देवबंदी को मौलाना कह रहे हैं, उनको मौलाना कहने में कोई हर्ज नहीं कर रहे, सामने गौर करें, वो देवबंदी नहीं गाले देवबंदी। अब खामोश। अरे खामोश, ये देखो भाग रहा है, अरे जवाब तो सुन ले भाग, अरे खामोश रहे, मैंने इतना सुना, जवाब तो सुन ले, देखो भागा। देवंशर, ये दावलुम देवंशर मैं खुद ले गया हूँ, इसकी आसल किताब कुछ दिन हुए। हाँ खामोश। ये देखो इसलिए, हाँ खामोश रहे यार, मुझे जवाब देने देना, ये दो बंदर आए हैं, दो बंदर जो है ये, अरे भाग रहे दो बंदर जो है जवाब सुनने को राजी नहीं, ये जवाब सुनने को राजी नहीं है, ये जवाब सुनने के राजी नहीं है, सुन, अरे सुनेगा, ये देखो बोलने नहीं दे रहे हैं, अरे घाबर भाग रहा है, बर्दूद तेरा देवबंदी है, उसे देवबंदी नहीं है, तेरा गाला देवबंदी, ये तेरे वाली साहब है, तेरे वाली साहब है, ये तेरे वाली साहब है, ये तेरे वाली साहब है, ये देख, ये अरशद रजा रिफात अली के वाली साहब है, ये देखो, ये सुन, अरे मुझे जवाब तो देने दे, मेरी बात तो सुनेगा, ये दोनों भाग रहे हैं, इसके जो आमिर उस्मानी साहब है, इसके ये जमात इस्लामी का था,
और इसको जवाब ही नहीं दे रहा है। तो ये देखो जमात इस्लामी का जायजा, जमात इस्लामी की दावत, हमारी ये जमात जिस गर्ज के लिए उठी, ये तो खुद कह रहा है मैं जमात इस्लामी का हूँ, ये खुद कह रहा है जमात इस्लामी का हूँ। एक मैंने जो स्केल भेजा है, सुन ये जो मैंने भागा दे। आप जिस अच्छा किसी और को लाइन पे लिया जी। हाँ कुमार देवबंदी बोलो। रजा खानी अच्छा देव की दीवानी कैसे परेशान हो? बोल रजा खानी तुम्हारे वालिदा की दीवानी है क्या? तुम्हारे वालिदा के दीवाने हैं? आते ही भाग जाता है बार बार फोन काट के। हेलो पागल हो गया क्या तू? पागल हो गया फोन काट के क्यों भाग जाता है यार? क्या बात, पागल हो गया क्यों? अच्छा भागा क्यों फोन काट के? भागा क्यों वो रिफायत अली? तू भागा क्यों? उससे तो बहुत बड़ा कुतुब है, उससे कोई डरेगा? अभी भागा ना, अभी देखो भाग जाएगा। बुढ़े से लोग से डरेंगे। ये गाढ़े देवबंदी किसने कहा है? ये बरेली ने कहा है, बरेली का कहा है ये देखो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसके सफर नंबर 22 पे इबारत है, बरेली ने कहा है। ये जो तुम लोगों ने झूठ बोला है अरशद रजा रिफायत अली दोनों मिलके, ठीक है, कि यहाँ जो गाढ़े देवबंदी का लफ्ज है ये तू कह रहा है कि हमारे इसमें ये मुसन्निफ ने लिखा है जलजला के, झूठ मक्कार, तूने झूठ मक्कारी किया है। ये बरेलवी का जुमला है, ये बरेलवी ने नकल किया है, ठीक है। ये देख सफा नंबर 22, तूने सफा नंबर 23 भेजा है ना, ये सफा नंबर 22 से देख, ठीक है, ऊपर से पढ़ कि आमिर उस्मानी ने जो हुस्सामुल हरमैन और बरेलियों के बारे में तबसरा किया था, तो उन्होंने जलजला की एक अजीब ढंग से तारीफ कर दी। फिर क्या था, बरेलवी जमात के हर छोटे बड़े की जुबान खुल गई। अब वही मौलाना आमिर उस्मानी जो बरेलवी के नजदीक गाढ़े देवबंदी है, वो काफिर मुर्तद, अब मालूम ना क्या क्या चीज अचानक हो गए, ठीक है, क्यों ये बरेलवी के नजदीक उन्होंने कहा कि गाढ़े देवबंदी, ठीक है, और तू कह रहा है कि ये जलजला के मुसन्निफ ने कहा, इतना झूठ मक्कार है, ठीक है। आमिर उस्मानी जो है ये जमात इस्लामी का आदमी है, जमात इस्लामी के ताल्लुक लगता है, ये दारुल देवबंद में भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, दारुल देवबंद से वो फारिग नहीं है, ना वो दाखिला हुआ उसका दाखिला नहीं हुआ, इसीलिए वो उलमा देवबंद के खिलाफ हुआ और जमात इस्लामी में चला गया, ठीक है। और तुम लोग जो झूठ मक्कारी दिखाते हो कि आमिर उस्मानी जो है देवबंदी आलिम है, ये तुम्हारा झूठ मक्कारी है, ठीक है। एक झूठ मक्कारी तो तुमने ये किया है कि ये जो तुमने ये दूसरी किताब पहली किताब भेजी है, इसमें साफ साफ लिखा है कि वो जो देवबंद के जो शोरा अदीब लोग हैं उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, और तू मक्कारी कहके कह रहा है कि ये उलमा देवबंद है, झूठ मक्कारी तुझसे कोई सीखे है? तुम लोग इतना झूठ मक्कारी करते हो, जबकि आमिर उस्मानी खुद कबूल कर रहा है कि वो जमात इस्लामी का है, जमात इस्लामी का जायजा नामी एक किताब है जो मुसन्निफ मौलाना आमिर है, ठीक है, ये लिखा है फाजिल देवबंद, यानी दारुल देवबंद नहीं, फाजिल देवबंद, देवबंद के देवबंद में दूसरे इदारे हैं उसमें तालीम हासिल किया है, दारुल देवबंद में नहीं। इसमें खुद लिखता है सफर नंबर 21 पे, जमात इस्लामी की दावत, हमारी ये जमात जिस गर्ज के लिए उठी थी वो ये है कि दुनिया में और आगाज कार के तौर पर, यानी ये कह रहा है कि जमात इस्लामी हमारी जमात, ये खुद कह रहा है जमात इस्लामी हमारी जमात, ठीक है। ये इतना बड़ा झूठ बोल रहा है रिफायत अली और अरशद रजा मिलकर, अब फोन काट के भाग गया, पूरा जवाब सुना नहीं, देखो बीच में ही फोन काट के भाग गए। इनकी आदत है जब इनकी पिटाई होने लगती है, इनका झूठ मक्कारी हम खोलने लगते हैं, ठीक है, तो ये फोन काट के भाग जाते हैं, इनकी ये आदत रही है। और दूसरी किताब इसने देखा है कि एक किताब भेजा है दारुल देवबंद
की तारीखी शख्सियात में अलग अलग देवबंद के जो लोग हैं उसमें इसका जिक्र है, ठीक है, इसका एक उन्वान लिख दिया है, देवबंद के चंद शोरा और मुमताज हकीम और दानिश्वर शोरा सहाफी, यानी वो जो देवबंद के दारुल देवबंद नहीं, देवबंद के जो मुमताज शोरा और दानिश्वर है उनका जिक्र करके उसके उन्वान से इसमें लिखा है, कई लोगों का नाम लिखा है जिसमें मौलाना आमिर उस्मानी लिखा है। ये घामड़ कह रहा है बरेलवी कि ये दारुल देवबंद का आलिम है, जबकि दारुल देवबंद में उसका दाखिला ही नहीं हुआ, उसको मना कर दिया गया दाखिला लेने से, ठीक है। ये ऐसे ही जवाब सुनते नहीं भाग जाते हैं फोन काट के, इतना डरे हुए रहता है। खासकर ये अष्टा और उसका जो दूसरा चेला आया है रिफायत अली, ये दोनों मिलकर